वो कृष्ण जो एक भक्त की रक्षा के लिए गर्भ में जा सकते हैं, वो कृष्ण जो अग्निपान कर सकते हैं, वो कृष्ण जो विषपान कर सकते हैं, वो कृष्ण जो गिरिराज पर्वत धारण कर सकते हैं, वो कृष्ण 11 वर्ष 56 दिन की उम्र में ऐसे भयंकर कंस दुष्ट को मार सकते हैं, उन कृष्ण को मैं भगवान न कहूं तो क्या कहूं? बोलो। लोग कहते भगवान नहीं है, मैं मान लूंगा भगवान नहीं है। जितने भी लोग कहते कृष्ण भगवान नहीं है, आओ कल मैं तुम सबसे यहां एक परीक्षा लूंगा, अगर हिम्मत है तो आकर दो, यहां परीक्षा दो, कल ही दूंगा, कल लो परीक्षा आके। अपनी अपनी अगर तुम में साहस है जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, कल यहां पधारे, आप सबका सहज में निमंत्रण दे रहा हूं आपको। और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का विषपान किया और उन्हें कुछ नहीं हुआ, आज मैं एक इंटरनेशनल चैनल पर कह रहा हूं, पूरी दुनिया सुन रही है, जो लोग मेरे कृष्ण को भगवान नहीं मानते उनको मेरा ये चैलेंज है। मुझे नहीं पता कि तुम क्या मानते हो क्या नहीं मानते हो, तुम्हारी मर्जी। उसको मैं नहीं कहूंगा कि तुम नहीं करो, मैं कहूंगा करो, वही करो। लेकिन तुम अगर मेरी आस्था पर उंगली उठाओगे तो आज मेरा चैलेंज है। तुम कहते हो कृष्ण भगवान नहीं थे, आ जाओ मैं कल तुम्हें जहर दूंगा, कल जहर पीना, बच गए तो कल से ही कथा पूरी कर दूंगा, कल के बाद कभी कथा नहीं करूंगा, ये मेरा वचन है। आप सबके सामने पूरे वृंदावन में वचन ले रहा हूं व्यासपीठ से, जो लोग मेरे कृष्ण पर उंगली उठाते उनके लिए, जब मेरे कृष्ण 6 दिन के थे उन्होंने जहर पान किया था कि नहीं, पहले बताओ किया था? आओ मैं कल तुम्हें जहर पिलाऊंगा, अपने घर वालों को बता के आना कि परीक्षा देने जा रहा है, जहर मैं खरीद के लाऊंगा, तुम्हारा नहीं चलेगा, मैं लाऊंगा। बच गए तो कल के बाद मैं वही करूंगा जो तुम कह रहे हो, और नहीं बचे तो अपने पूर्वजों को आने वाली नेक्स्ट पीढ़ी को कह के जाना वही करना जो देवकी नंदन कह रहा है। तुम बच गए तो कल के बाद मैं और मेरे फॉलोअर्स वही करेंगे जो तुम कहोगे, और नहीं बचे तो तुम और तुम्हारे वो जिनके इशारों पर ये करते हो वो करना जो भागवत कह रही है। हिम्मत है तो आ जाओ कल, और अदरवाइज आज के बाद हमारे धर्म पर उंगली मत उठाना, अगर उठाई तो आई एम सॉरी टू से। इतना बड़ा वर्ड बोलना चाहिए कि नहीं, पर जब तुम मेरे कृष्ण के लिए बोल सकते हो तो मुझे भी बोलने का अधिकार है। मैं कहूंगा निश्चित तौर पर तुम नहीं हो। हमारे मुसलमान भाई, एक कमेंट आ गया था वहां, आपको याद है, एक पत्रकार ने कार्टून बना दिया था, मैं उनके अगेंस्ट में नहीं, पक्ष में नहीं, क्या हुआ मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो अपने धर्म के इतने ईमानदार हैं, वो अपने खुदा की कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पर तुम लोग हिंदू कौन सा दूध पी के बैठे हो, तुम पिया कौन सा दूध है तुमने, पानी हो गया क्या खून तुम्हारा? कोई भी आता है और कुछ भी लिख के चला जाता है और हम सह लेते हैं, और भारत सरकार उस तरफ कोई एक्शन नहीं लेती, उत्तर प्रदेश की सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। लेना चाहिए, जो भी मेरे कृष्ण के बारे में, जो भी मेरे राम के बारे में, जो भी भारत के साधु संतों के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करे वो अपराध की धारा में आना चाहिए, चाहे वो सोशल साइट पर ही क्यों ना हो।